खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमें बंगाल की राजनीति के बूढ़ा शेर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो पिछले 5 घंटे से लगातार फील्ड वर्क कर रहे हैं और खड़े हैं, स्टैंड बाई मोड में हैं। क्या यही जोश और जज्बा आपको 70-80 साल की उम्र में राजनीति में बिल्कुल स्टैंड किए हुए है? आपको देखिए, हम लोग पब्लिक आदमी हैं जी, जनता के लोग हैं हम जी, जनता का सेवा करते करते आज 52 साल हो गए जी, और पब्लिक के पास हम रहना पसंद करते हैं जी। पब्लिक साथ में रहने से या पब्लिक इसमें रहने से हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और घर में जब बैठते हैं तो अकेलापन लगता है। अच्छा। और अकेलापन में हमको अच्छा लगता नहीं है। अच्छा। अकेलापन हमको क्या होता है कि कमजोर कर देता है। अच्छा। इसलिए हम जो रहते हैं लोगों के साथ में ताजा रखने के लिए लोगों के बीच में रहते हैं। हम लोग इस्लामपुर से इनको फॉलो कर रहे हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं गायसल होते हुए, और आप हम लोग यहाँ काला नागिन के इलाके में आ चुके हैं, लेकिन हम लोग या इनके साथ जो लोग हैं वो थक गए होंगे, पर इनमें अब भी वही जोश और जज्बा देख रहे हैं। और ये बिल्कुल तब से अपनी जीप में बिल्कुल खड़े थे, है ना। जावेद अख्तर साहब भी हैं, ये भी उप सभापति प्रतिनिधि हैं रायगंज जिला परिषद क्षेत्र के। तो क्या इनके इस कहते बुढ़ापे में जवान होना आदमी आप क्या पहली बार देख रहे हैं? देखिए, हम लोग उनके शागिर्द हैं जी, उनसे हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छा, क्या क्या खास बताइए लोगों को? खासियत तो आप पहले बता दिए हैं, जज्बात का जी, जोश का, हौसला का, जुनून जी। ये जो जुनूनियत उनके अंदर है और जनता की खिदमत के लिए, जनता की सेवा के लिए उन्होंने जो ये 50-60 साल की राजनीति में अपनी जिंदगी को बिताया है, ये एक इतिहास है, एक ये तारीख है, एक हिस्ट्री है। इनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। इंस्पायर होते हैं? इंस्पायर होते हैं। अच्छा, मतलब आप शागिर्द हैं और आप भी इनसे सीख करके राजनीति में इसको फॉलो करते हैं, आगे अपनाएंगे। बहुत दिल चाहते हैं जी। तो आप सोते कब हैं, जागते कब हैं, ये भी जनता को बता ही दीजिए। सोते हैं 2:30 बजे रात, 2:30 बजे रात में, इस दरमियान फील्ड में रहते हैं अभी भी? नहीं, रात को 11 बजे तक, 12 बजे खत्म रहता है, उसके बाद अपना जो नमाज वमाज पढ़ना, खाना पीना करके 2:30 बजे बैठ होते हैं। अच्छा, फिर सुबह फजर के बाद 8:30-9 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अपना फील्ड में निकल जाते हैं, नमाज पढ़ के फिर फील्ड में निकलते हैं। कोई दवाई वगैरह तो नहीं लेते? नहीं, कोई दवाई नहीं। इनकी दो खासियत हम बताएंगे जो आपको बताए नहीं। मैं इनके साथ 10 दिन तक जेल में था। अच्छा, किस मुद्दे पर जेल गए थे? वो एक आंदोलन था, रेलवे आंदोलन का, रेलवे आंदोलन, वहाँ पे हमारा अलवाबाड़ी स्टेशन पर कुछ ट्रेनों को रुकने का आंदोलन था। उस जमाने में हम लोगों पर केस भी हुआ था रेलवे के डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैं चौधरी साहब के साथ वहाँ भी शागिर्दी का फर्ज निभाया, क्योंकि हम दोनों जेल के अंदर थे, एक ही बिस्तर पर दोनों हम लोग सोते थे, जेल के खाने को हम लोग खाते थे। उसमें हमने जो चीज पाया था, वो पाया कि वो दुनिया में खिदमत करने के साथ साथ दीन में भी वो बहुत ज्यादा मतलब तवज्जो देते हैं, जैसे दीनी और दुनियावी दोनों मसले एकदम। मैं 5 वक्त की नमाज उनका वहां पर पाता था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि फजर की नमाज उनकी छूटती नहीं थी, उसके बाद 1 घंटा तिलावत वो हमेशा करते थे जेल के अंदर भी। मैं इस चीज को रियलाइज करता था, इंस्पायर होने के बाद इस चीज को मैं भी अपनी जिंदगी में अपनाया हूँ, और जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी मुझे उसी में मिलती है और राहत भी मिलती है। क्या बात है। तो क्या ये मामूल अब भी कायम है आपका? उससे पहले हम 1 महीना और भी जेल में थे। अच्छा। वही एक आंदोलन लेकर के स्कूल का जमीन दखल कर लिया गया था, उसको बेदखल करने के लिए किया गया थे। तो पश्चिम बंगाल में मतलब आंदोलन करते हैं, चाय बगान के खिलाफ में आंदोलन किए थे, जमीनों चाचियों के कृषक को जमीन बताने के लिए भी हम बहुत आंदोलन किए थे। कितना बार जेल गए, उसके बाद हम 1 महीना जेल रहे, बार बार हमको बिल देना था, रिजेक्ट नहीं करना था, बिल हम खुद ही रिजेक्ट करते थे। अच्छा। हमको बिल नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो लोग हरित में हैं उन लोग को बिल दिए तब हम निकलेंगे। अच्छा। ऐसा करते करते आखिर मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र भट्टाचार्य जी, वो तमाम केस वापस ले लिए, यानी करीम चौधरी का इतना जिद है, हमको जिद पसंद नहीं है। अब तमाम पुलिस को बोला कि सब प्रत्यार को वापस कर लो, वापस कर लिया, उसके बाद हमको जेल से रिहाई किया। तो 1 महीना जो जेल में हम रहे, उस 1 महीने में जितने लोग हम हर जुमा नमाज पढ़ते थे, तो हमारे लिए अपॉइंटमेंट किया गया एक मौलवी, एक इमाम अपॉइंटमेंट किया गया। इमाम जो अपॉइंटमेंट हुआ,
तो साथ में जितने जेली लोग थे वो लोग नमाज वो लोग भी नमाज शुरू कर दी, मतलब वहाँ पे भी आप रिफॉर्म कर दिए लोग। पहले 25 आदमी शुरू किया, उसका 50 आदमी, 150-200 आदमी का जमात होना शुरू किया। अच्छा, यहाँ तक कि हर जुमा में 150-200 नमाज पढ़ते थे। उसके बाद आपका क्या हुआ, बकरीद की नमाज भी हमको वही पढ़नी पड़ी। किस जेल में? जेल में हम थे, बकरीद की नमाज इस्लामपुर जेल में। इस्लामपुर जेल में अभी ये मामूल है जेल में? अभी भी चलता ही है, अभी वो जो वो इमाम है जेल में, इन्होंने दुनियावी चीजों को, दीनी चीजों को लॉन्च किया, और आज भी कायम है। बहुत बड़ी एक इमाम है वहाँ पर, एक इमाम है उसमें। तो लोग ये पूछेंगे, खास करके नौजवान जो हमारे साथी लोग हैं, कि आखिर आप किस चक्की के आटा खाते हैं जो इतने वक्त तक आप मतलब खड़े हैं और फील्ड में है? ये तो अल्लाह की तरफ से है, बोले ना अल्लाह का देन है। अच्छा। ये अल्लाह का देन का मतलब है, गॉड गिफ्टेड क्वालिटी हमारे अंदर में है, तो शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह का। शुक्रिया तो रात दिन नमाज इबादत क्या करते हैं, इबादत में बहुत शुक्रिया अदा किया जाता है। ये अब्दुल करीम चौधरी साहब हैं जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, 15 बार जीते हैं, 10 दफा जीते हैं, 11 बार जीते हैं, 11वीं दफा जीतने की तैयारी में हैं, और 15वीं इलेक्शन लड़ रहे हैं। और टीएमसी से हैं, खेला होगे आप सभी लोग जानते हैं। तो आज दिन खेला होगा उन्नयन का, खेला होगा तरक्की का, खेला होगा इस सब। तो आपसे हाँ एक बड़ी खुशकिस्मती है कि आपसे बात हो रही है। तो युवा पीढ़ी, नौजवान जो बिहार बंगाल के लोग, आप हर जगह पॉपुलर हैं, सब लोग उनके लिए क्या संदेश है आपका? संदेश तो एक ही है हम लोग का, कि भारत में हम लोग हैं, सब मिलत के साथ रह रहे हैं, बंगाल में हैं, सब मिलत के साथ रहे हैं। ये बिहार बंगाल बोलते हैं ना, ये हम लोग का बंगाल बिहार में भी था, लेकिन हम लोग का इत्तेफाक होती है अभी तक, रिलेशन तो हम लोग का बिहार बंगाल मिला करके ही है, इसलिए हम लोग यहाँ इसको मेंटेन रखना है। इस्लामपुर शहर में भी है, वो आप लोग खोज के देखिएगा, शहर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो हमारा खिलाफ में कोई बुरा भला बात बोलेगा। हाँ, ये तो करीम चौधरी अत्याचार क्या है, करीम चौधरी कोई अन्याय क्या है, करीम चौधरी आपके बारे में एक खास बात लोगों ने ये बताई, चौधरी साहब पीसी वाले नहीं है, लेकिन आपके कुछ जानने वाले पहचानने वाले जरूर कुछ लोगों को बदमाश करते हैं, तो वो शिकायत है, ठीक है, लेकिन आप कैसे आखिर इतना खर्च करते हैं? हम जो हमारा खर्च होता ही नहीं है, तो लोग ही तो हमको चाय पाए पानी पिला चलाते हैं, मतलब सिर्फ पेट्रोल का इंतजाम करते हैं जो हम लोग चलता है। तो आपके शरीक एक और नेता थे मौलाना असरुल हक कासमी, होती होती थी, वो एमपी थे हमारा बहुत पुराने जमाने में थे, लापतन थे भी, हमसे भी वैसे भी गरीबी हालत में वही चलाते थे, वही गरीबी हालत में। हम लोग जमींदार थे इस इलाके का, हम लोग जमींदार थे, यहाँ तक बांग्लादेश तक का जमीन हम लोग जमींदार जहाँ है, लेकिन हम लोग जमींदारी को जब थोड़ा बुरुच हो गया जब 1953 में, तो हम लोग अब क्या हो गया कि राजनीतिक लाइन आई है, तो हमारे बड़े भाई आफाक चौधरी 1952 से पहला इलेक्शन लड़े और वो जीत गए, 52 से लाल करके हम लोग 67 तक इलेक्शन हुआ, वो सब इलेक्शन जीते। और उसको आप 68 में जब उसका देहांत हो गया, जब उसका इंतकाल हो गया, तब उसके बाद लोगों के जमान पर हम आए, लोगों के बहुत कम थी उम्र थी हमारी उस समय, लोग को कहने आपको आना होगा, तो हम आ गए। हम जब आ गए तो उस समय कांग्रेस के टिकट हमको नहीं मिला था, और हम फिर वो क्या नाम निर्दल खड़े हो गए लोगों के अपने INDA पार्टी INDA पार्टी डिसीजन कांग्रेस को टिकट नहीं मिला था, वो लोग आ गया था, तो वो लोग कहने पर हम खड़े हो गए। 95 सीट दिया आशु घोष, जो डिसीजन कांग्रेस का एक INDA पार्टी बना करके लड़ा था, उसमें सिर्फ हम ही सिंगल पील जीते थे और कोई नहीं जीता था, जिसकी वजह से लोगों का इतिहास में वो आज तक कंटिन्यू करते हैं। 69 से 1952 से हमारे बड़े भाई आपा मरुम आफाक चौधरी 68 तक रहे, और 68 के बाद से हम चले आ रहे हैं आज तक, मतलब 50-55 साल की राजनीति। ऐसे शख्स बहुत बिरले मिलेंगे राजनीति में और हमारे इलाके में है। तो आप नौजवान पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं कि एक तो जमींदारी के टाइम में लोगों का देखभाल करना, उस जमाने का कर्ज किया था हमारे वालिद साहब, हमारे दादा मरहूम शेख अब्दुल अजीज, हमारे वालिद साहब जो थे वो थे चौधरी अब्दुल चौधरी मोहम्मद यूसुफ, उसके बाद इस सिस्टम था वो अब लोगों के दिमाग लगा के हम लोग का सिंचाई कहते हैं नहीं है सरकार, वो सरकार बोला जाता था जमींदार को, सरकार हम लोग का सिंचाई कहते हैं नहीं है, हुक्म हुआ इसको हम लोग का जो खजानची था कि भेजो हाथी, हाथी भेज करके हाथी का 25-30 हाथी से उन लोग का बांध बनाया जाता था, हाथी से बांध बनाया जाता था सिंचाई के लिए। इसी तरह से खिदमत लोगों की खिदमत, रास्ता घाट में घाट लगाओ, घाट लगाए काफ़ी घाट यहाँ पे लेके बांग्लादेश तक घाट लगा हुआ है, पाटा का रोड देखेगा वो सब कट गया, अभी कट नहीं है।
तो एक जमींदारी पीरियड में ऐसे सर्विस हम लोग दिए, और ये पीरियड में हम लोग को पब्लिक के साथ में किसी का कोई मुसीबत, कोई किसी का झरमेला, कोई किसी का कुछ, किसी का जमीन छीन लेना, किसी का और कुछ होना, ये सब चीज़ हम लोग देते थे। नक्सलवादी मूवमेंट को भी आप, नक्सलवादी मूवमेंट के टाइम में भी हम लोगों को टैकल किए थे, लोगों को पर जुल्म होने नहीं देते थे। इसलिए हम कहते हैं क्या कि लोगों का जो ताल्लुक हमारा जो लग गया है ना, वो हम छूट नहीं पाते पाते हैं, रह नहीं सकते। तो कई पीढ़ियां बदल गई, लेकिन अभी जो मौजूदा पीढ़ी है, ये डिजिटल है, इनसे फिर आपका कैसे रिश्ता बना? ये तो सब देते हैं, हम लोग चौधरी साहब को हम लोग रखना है, अभी भी लोग को वही करना है कि चौधरी साहब को रखना है। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में रखना है, ममता बनर्जी को आज पश्चिम बंगाल की बहुत जरूरत है, पश्चिम बंगाल के लोगों को, उसी तरह से यहाँ के लोग कहते हैं कि करीम चौधरी की हम लोगों को जरूरत है। खेती बाड़ी की बात चली, आपके इलाके में हम लगातार घूम रहे हैं, एक चीज जो सफेद हाथी यहाँ पे है, ये जो केनाल है तीस्ता केनाल, इसका क्या कभी सूरत बदलेगी? नहीं, अगर ये बन जाए तो हमें क्या ये प्रॉब्लम हो गया क्या कि ये हम लोग का जमाने में तो वहाँ था सिद्धार्थ शंकर जब वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय उत्तर बंगाल में एक सिंचाई का इंतजाम करने के लिए वो तीस्ता बैरेज को थ्रू किया, तीस्ता कैनल प्रोजेक्ट थ्रू जो किया, तो इससे अपना सब्जेक्ट किया, लेकिन इसको नेशनल पावर होना चाहिए था। अब जो आज तक खर्च इतना बढ़ गया, उस वक्त जमाना था कि 75 करोड़ में बनाने वाला था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, तो जो 75 करोड़ कुछ ये नहीं है, वो 75 करोड़ जितना क्या कई 1000 करोड़ में खर्च हो गया, पर अभी तक वो कम्प्लीट नहीं हुआ है। अब इसलिए क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग जो बोलते हैं कि आप ले लीजिए इस प्रोजेक्ट को अपना, इसमें हम लोग नहीं चला सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग सरकार नहीं चला पा रही है, इसलिए बोलते हैं कि हम लोग का अभी उतना तहवील नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट हम लोग चलाएं, लेकिन पेंडिंग पड़ा हुआ, लाइफ लाइन बन सकता है, पेंडिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया, नेशनल प्रोजेक्ट बना लिया, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि इस बार आप अगर आते हैं सत्ता में तो इस चीज को जरूर हल निकालें, यहां की तस्वीर बदल सकती है। ठीक है, तो लेकिन आप नहीं बताया किस चक्की का आटा खाते हैं, किस चक्की का आटा खाते वो नहीं बताया। देखिए खाने में क्या क्या लेते इतना बता दीजिए। हमने इतने खाए कि हम कोई स्पेशल का हमारे आज तक फैमिली के अंदर में कोई फरमाइशी खाना हम खाए माई नहीं। अच्छा, जो बनता था वही खा लेते हैं। अच्छा, फील्ड में खाने को मिलता है? फील्ड में लोग हमारे तो खाते ही ज्यादा नहीं, लोग जैसे चाय बिस्कुट वगैरह कोई सामान तुम्हारा कोई काजू बादाम ताजाम और कोई कुछ कुछ दे देता है खाने खा लेते हैं। अच्छा, लेकिन खाने के लिए सब बोलते हैं हमारे खाना के लिए, हमारे यहाँ खाना के लिए सब बोलते हैं। हाँ। बोलते हैं नहीं भाई, हम खाना छोड़िए, हमको मुड़ी खिला दिए, खाना ना मत खिला दिए। अच्छा, मुड़ी से प्यार है ना? हम मुड़ी कहते हैं, अभी हमारे प्रधान मुड़ी का इंतजाम किया है, वो मुड़ी खाएंगे यहाँ पर, चलिए आप भी मुड़ी खा लीजिए। क्या प्रधान जी, इस बार क्या होगा? इस बार तो आप बोले हैं खेला होगा, तो हम लोगों का जो अभी कैंडिडेट है श्री अब्दुल करीम साहिब चौधरी साहब जो है 29 नंबर इस्लामपुर विधानसभा में, आप तो सुने हैं सब कुछ, सबको भी मालूम भी पड़ गया कि 15 बार इलेक्शन लड़े हैं, 10 बार जीते हैं, इस बार 11 बार तो फाइनल है, इस बार हम लोग जोड़ते नहीं है, 11 बार फाइनल है, लेकिन हम लोग इंतजार करते हैं काउंट का। लेकिन जिस हवा का पहले माहौल था बीजेपी वाला का, हम ये भी बोलते हैं, हम भी एक सिंह परिवार के आदमी है, राजवंशी परिवार के हैं, लेकिन वो हवा अभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये भावताबाजी है, ये दंगाबाजी है, भाईचारा को खत्म करने वाला पार्टी है, ऐसा पार्टी हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए भाईचारा को मजबूती से रहना है, यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ चलना है, हिंदू मुसलमान भाईचारा को जिसका उसका ईद में हम लोग जाते हैं, हम लोगों का दुर्गा पूजा में वो लोग आते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, तो इसके बोली से हमारा बदन का रुआ, लेकिन हम लोग कितना प्यार मोहब्बत लोगों का दिल में है, इसी को तोड़ने के लिए बीजेपी घुसा हुआ है, ये हमको पसंद नहीं है। नहीं, अभी जो बोल रहा था तो हमारा ईमान से देखिए, बदन का रुआ खड़ा हो गया था, रुआ खड़ा हो गया था कि इतना हमको अभी कठिन हुआ था, इतना अच्छा लगा बुरी हमको उनका वजन कर रहे हैं। चलिए, तो इस बात पर आपको सैल्यूट है कि आप एकदम रूहानी चीजों को बहुत ज्यादा हार्मोनी बोल रहा था ना, हमारे बदन से रुआ खड़ा हुई है, ये कितना हम लोग के भाईचारे को तोड़ने के लिए लोग आया हुआ है हकीकत में। हम लोग अपना बीच में ये हो जाएंगे।